आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी यानी कि बाजरे का खिचड़ा, जिसको हम खिचड़ी भी बोलते हैं। इस खिचड़ी को मैंने दादी और नानी को काफ़ी बार बनाते हुए देखा है, तो मैंने भी पूरी कोशिश की है आपको उसी तरीके से बनाने की और दिखाने की। राजस्थान के अंदर सर्दियों में ये स्पेशल बनाई जाती है, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी यानी कि बाजरे का खिचड़ा। राजस्थान की ये इतनी फेमस रेसिपी है फ्रेंड्स, इसको विंटर सीजन में स्पेशली बनाया जाता है और ये सर्दियों के मौसम में हर घर में बनाया जाता है। इसको बड़े से लेकर के बच्चे सभी पसंद करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम बाजरा लिया है, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और इसे धो करके मैंने 1 घंटे के लिए धूप में सुखा दिया है। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 चम्मच पानी मिला देंगे ऐसे, और इसको इस तरह से मिला देंगे ऐसे ताकि बाजरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से पानी को बाजरे के अंदर इस तरह से मिला करके हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद में हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। बाजरे को भीगते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, ये अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है ऊपर से, ये देखिएगा। चलिए तो अब हम इसकी कुटाई शुरू कर देते हैं। अब हम इस तरीके से एक अमाम जस्ता ले लेंगे और इसके अंदर इस बाजरे को डाल लेंगे ऐसे। चलिए अब मेहनत का काम शुरू हो चुका है। अब हम इसको कूटेंगे, तो हम लगातार इस तरह से कूटेंगे, लेकिन इस बाजरे का हमें पाउडर नहीं बनाना है। हल्के हाथों से ही हम इसको कूटेंगे ऐसे। इस तरह से कूटने से क्या होगा कि इसका जो छिलका है ना वो हट जाएगा, उसी को हमें हटाना है। इस तरह से लगातार हम इसको कूटेंगे। 5 से 7 मिनट कूटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर बाजरे का। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको कूटते हुए। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। मेहनत का काम खत्म हो चुका है। अब वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। जितनी हम इसको कूटने में मेहनत करेंगे ना, उतनी ही टेस्टी हमारी खिचड़ी बनेगी। ये देखिए इसका टेक्सचर, ये ऊपर के छिलके बिल्कुल हट चुके हैं, ये देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम इस छिलके को हटा देते हैं इस तरह से झटका करके। हम इसको इस तरह से झटका देंगे इसको, ये देखिए ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सारा निकला है इस, ये देखिएगा। बाजरे का आटा नहीं है फ्रेंड्स, ये इसके छिलके हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और झटकाएंगे हम ऐसे। मेहनत तो है फ्रेंड्स, लेकिन इस खिचड़ी को अगर आप एक बार बना करके खाएंगे ना तो आपका फेवरेट हो जाएगा ये, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। सर्दियों के मौसम में अगर इस खिचड़ी को बना करके खाते हैं ना तो हमारे शरीर में गर्माहट आती है, इससे सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है। ये देखिएगा ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स कितने छिलके हटे हैं इस बाजरे के, ये देखिएगा। ये इसके अंदर आटा बिल्कुल भी नहीं है, ये छिलके हैं बाजरे के ये। और ये हमारा बाजरा तैयार हो चुका है अब खिचड़ी बनाने के लिए। चलिए तो अब गैस की तरफ चलते हैं इसको पकाने के लिए। गैस पे मैंने पतीला रख दिया है, ये मैंने भारी तले का पतीला लिया है ताकि क्या होगा कि खिचड़ी हमारी चिपकेगी नहीं। अगर फ्रेंड्स आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो उसके अंदर बनाएंगे ना ये खिचड़ी, मिट्टी के बर्तन में बनाई हुई खिचड़ी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर ये बाजरा डाल देंगे। ये आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है, इसको 3 से 4 घंटे तक भिगो दिया था मैंने, ये डाल देंगे इसके अंदर। आप चाहें तो फ्रेंड्स चने की दाल भी डाल सकते हैं इसके अंदर। हमारे इधर राजस्थान में तो चौले और मोठ की दाल भी मिक्स करते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं आज सिर्फ मूंग की दाल ही इसके अंदर मिलाऊंगी। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस तरह से बीच बीच में इसको इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगी हमारी खिचड़ी, ये देखिएगा इस तरह से। अब हम इसके अंदर हल्का सा नमक डाल देंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार नहीं डालेंगे इसके अंदर, सिर्फ हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि हम इसके अंदर बाद में गुड़ या शक्कर डाल के खाएंगे इसको। हल्का सा नमक डालेंगे इसके अंदर। 1 चम्मच हम इसके अंदर घी की मिक्स कर देंगे ताकि इस खिचड़ी में उफान ना आए, ये बाहर ना निकले। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बना लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, इसको इस तरह से कवर कर देंगे, पूरा नहीं ढकेंगे इसको, थोड़ा आधा खुला रहने देंगे पतीले को ताकि ये बाहर ना निकले। अब इसको हम पकने देते हैं। खिचड़ी को बनते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। हम इसको चेक कर लेते हैं, बीच बीच में मैंने इसको चला दिया था,
ये देखिए अभी हमारी खिचड़ी बनी नहीं है, अभी और इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना कि इस तरह से हम इसको खुले में पका रहे हैं ना, इस तरह से पकाने से ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये खिचड़ी। अगर आपको पानी कम लग रहा हो तो आप गर्म करके पानी और डाल सकते हैं इसके अंदर, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर ठंडा पानी डाल देंगे तो इसका टेस्ट कम हो जाएगा खिचड़ी का, गर्म पानी करके ही डालेंगे अगर पानी कम लगे तो। ये देखिए अभी हमारे काफ़ी है इसके अंदर पानी, इसको पकने देते हैं, इसको इस तरह से कवर कर देते हैं ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स खिचड़ी को पकते हुए 15 मिनट और हो चुके हैं, यानी कि टोटल मैंने इसको 30 से 35 मिनट तक पकाया है। ये देखिए खिचड़ी हमारी बन चुकी है। इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी की रहनी चाहिए खिचड़ी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक होगी। चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे 5 मिनट ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं इसको 5 मिनट, अभी काफ़ी गर्म है ये। अब हम एक थाली लेंगे, क्योंकि हमारे इधर राजस्थान में इस खिचड़ी को थाली में ही खाया जाता है, तो आज मैं आपको थाली में ही सर्व करके बताऊंगी। इस तरह से हम खिचड़ी डाल लेंगे ऐसे, लेकिन मानिए फ्रेंड्स ये इतनी टेस्टी बनती है अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। ये देखिए इस तरह से हम खिचड़ी डाल लेंगे। अब ये मैंने ली है शक्कर, जिसको गुड़िया शक्कर भी बोलते हैं, ये डाल देंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से अब हम इसके ऊपर देसी घी डाल देंगे ऐसे। घी हम खूब सारा डालेंगे, इसके अंदर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि इस खिचड़ी का टेस्ट घी से ही आता है। ये देखिएगा इस तरह से आ रहा है ना फ्रेंड्स मुंह में पानी देख करके। आप इस खिचड़ी को कब बना रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये लीजिए हमारी खिचड़ी तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरे बाजरे की खिचड़ी बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।